हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 15। तो जिससे इससे पहले जो वीडियो बनाई थी बच्चों, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक थी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सेम वही है, प्रूव द फॉलोइंग। इस बार हमारा ये LHS भी सॉल्व करेंगे और RHS भी करेंगे। देखो दोनों को सेम ले आ, बहुत आसान है। एक काम करते हैं, पहले LHS को सॉल्व करते हैं, देन RHS को लेते हैं, ठीक है गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। हम देख लेते हैं इसे, हमारा क्वेश्चन था 15 बच्चों। थोड़ा सा इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लगी, कॉट है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसे करते हैं स्टार्ट। पहले तो मैं आपका LHS ले लेता हूं, ये हम ले रहे हैं LHS। तो LHS लिख लेता हूं, कॉट 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस का साइन 3x। बच्चों ध्यान से देखना, मेरे ना इस वाले ब्रैकेट के अंदर ना साइन ये वाला 5x प्लस साइन ये 3x, मुझे इसमें एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। मैं बोर्ड पे लिखता हूं, फिर आप लोगों को दिखाता हूं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो, मेरे ब्रैकेट के अंदर जो आइडेंटिटी लग रही है वो मैंने यहां पर लिख दी है। मेरा जो ये ब्रैकेट के अंदर हमें क्वेश्चन दे रखा है वो मेरे इस वाले फॉर्म में लग रहा है LHS में। हमें बदलना इसमें, आप देख सकते हो साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो मैं एक बार मार्क कर लेता हूं, इस वाले एंगल को एक्स को प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं और इस वाले एंगल को वाई प्रोनाउंस कर रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चों, साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो चलिए हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस फॉर्म में है, हम बदलते हैं इस वाले फॉर्म में। चलिए करते हैं, कॉट 4x एज इट इज लिख देते हैं बच्चों, ब्रैकेट बना लेता हूं बड़ा सा। सबसे पहले इसकी जगह पर पहले हम क्या लिखेंगे, 2, फिर लिखना है साइन, मैं लिख देता हूं साइन। उसके बाद x और y को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। x को देखो, x ये वाला पार्ट है और y ये वाला पार्ट है, इन दोनों को जोड़ना है। बच्चों मैं यहां से देख रहा हूं, जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। 5x और 4x को जोड़ूंगा तो आएगा 8x और डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है बच्चों? उसके बाद यहां पर डॉट मतलब मल्टीप्लाई, हम लिखेंगे यहां पर कॉस। उसके बाद x और y को करना है माइनस, उसके बाद डिवाइड करना है 2 से। x ये रहा, y ये रहा, हम इन्हें माइनस करेंगे तो आएगा 2x और डिवाइड कर देते हैं 2 से। देख सकते हो आप, डिवाइड कर दिया मैंने। तो चलिए अब जो कट रहे हैं उन्हें काट लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए ये एंगल एंगल है, आपस में देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो होता है वो उसका एंगल होता है, ये उसका नंबर है कोएफिशिएंट। एंगल और कोएफिशिएंट कभी नहीं कटते, याद रखना, लेकिन एंगल एंगल कट सकते हैं आपस में, वनजा और फोरजा, वनजा और वनजा। तो चलिए एक बार इसे अच्छे से लिख लेते हैं, कॉट 4x 2 साइन, नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं, 4x आ गया, इनटू में कॉस 1x की जगह x भी लिख सकता हूं, नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं। अब मैंने देखा क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, ध्यान से देखो, cot 4x, मैं इसको भी साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसा कि हमें पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, हमारा cot थीटा, ऊपर लिखते हैं cos थीटा और नीचे लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है बच्चों? हमारा cot थीटा का ये फॉर्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, cot और ये थीटा है, सबसे पहले ऊपर आता है cos, वही एंगल आता है, जो एंगल यहां लगा वही एंगल ऊपर और नीचे आता है, cos 4x अपॉन में sin 4x। अब इस ब्रैकेट को बना, देखो इसकी जगह पर तो ये लिख दिया, इस ब्रैकेट को एज इट इज बनाते हैं और आप लोगों को दिख जाएगा कुछ सॉल्व होता हुआ। बच्चों ध्यान से देखेंगे तो आपको लग रहा होगा sin 4x और sin 4x कट रहे हैं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, nr और dr इस तरह में कटता है। तो चलिए इसे काट लेते हैं, साइन 4x और ये साइन 4x पूरा कट गया, ठीक है? अगर हम देखेंगे तो बच क्या रहा है हमारा, एक तो 2 बच रहा है। कई लोग सोचते हैं सर cos 4x और cos x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नहीं बच्चों, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सेम है लेकिन उसके आगे वाला जो एंगल है वो एकदम अलग अलग है, देखो नहीं हो सकता सॉल्व। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, cos 4x into cos x। तो बच्चों ध्यान से एक बार इसकी शक्ल देख लो, 2 cos 4x into cos x, ये आ रहा है हमारा LHS, ये मैंने सिर्फ LHS सॉल्व किया है तो ये आ गया। एक बार मैं काम करता हूं, इसे यहां लिख देता हूं, 2 cos 4x into cos x,
अब बच्चों हम दोबारा सॉल्व करेंगे आरएचएस, तो चलिए अब करते हैं आरएचएस सॉल्व। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो मैंने आरएचएस उतार लिया, ये हमारा आरएचएस है, और जो आइडेंटिटीज वाले ब्रैकेट में लग रही है मैंने वो भी उतार दी है, साइन एक्स माइनस साइन वाई की। आप देख सकते हैं साइन इस वाले एंगल को प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं एक्स माइनस साइन, और ये वाला एंगल जो है वो हमारा क्या है बच्चों वाई, ठीक है, सिंपल है, साइन एक्स माइनस वाई। हमारा जो ब्रैकेट में आइडेंटिटी लग रही है वो एलएचएस की फॉर्म में है, बदलेंगे आरएचएस की फॉर्म में, सेम वैसे ही है। चलो करते हैं सॉल्व, यहां पर लिख देते कॉटेक्स साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसकी जगह पर हम ये लिखने वाले, पहले लिखूंगा टू, उसके बाद लगाएंगे कॉस, एक्स और वाई को जोड़ेंगे टू से डिवाइड कर देंगे, एक्स ये रहा वाई ये रहा, इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा एट एक्स और टू से डिवाइड कर देंगे। ये और ये नहीं कट सकते क्योंकि बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आगे होता है वो उसका एंगल होता है, और ये नंबर उसका कोएफिशिएंट है पीछे, कोएफिशिएंट और एंगल कभी नहीं कटते आपस में, मल्टीप्लाई बाय, देखो ये ना मल्टीप्लाई। अब साइन लिखना है बच्चों, एक्स और वाई को करना है माइनस और डिवाइड कर देंगे टू से, एक्स और वाई को अगर माइनस करेंगे तो यही आएगा और डिवाइड कर देते हैं टू से। चलिए बच्चों ये मैंने कर दिया सॉल्व, अब देखिए जो कट रहे हैं काट लेते हैं, ये तो एंगल एंगल है आपस में आराम से कट सकते हैं, वन बारी पे और ये फोर बारी पे, ये भी वन बारी पे और ये भी वन बारी पे, मैंने काट दिया है। चलिए अब नीचे लिखते हैं इसे एक बार, कॉट एक्स टू कॉस, ये 4x आ जाएगा बच्चों, नीचे की उनकी कोई वैल्यू नहीं, 4 और x इंटू साइन, यहां 1x बच रहा है, आप इसे x भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था cot थीटा, मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि cot थीटा को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, cot उसके साथ जो भी एंगल है हम उसे साइन और cos की फॉर्म में लिख सकते हैं, cos सेम वही एंगल थीटा और साइन थीटा ये होता है, तो चलिए सेम ऐसे ही लिख देते हैं, कॉट एक्स है तो ऊपर तो आएगा कॉस एक्स और नीचे आएगा साइन एक्स, इसकी जगह पर तो ये लिख दिया, इस ब्रैकेट को एज इट इज उतार दो, टू कॉस फोर एक्स इंटू में साइन एक्स। बच्चों आप देख सकते हैं कट रहा है, तो जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, साइन एक्स और साइन एक्स पूरा कट गया। बेटा ये क्यों कट रहा है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, ऊपर से उसके साथ का एंगल भी सेम है, तो बच्चों देखते हैं क्या बच रहा है, हमारा 2 तो पहले मैं बाहर लिख देता हूं एज इट इज, ये cos x और cos 4x मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सेम है, लेकिन इनके जो आगे एंगल आ रहा है ये x और ये 4x ये डिफरेंट है, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो वैसे ऐसे लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं cos 4x उसके बाद लिख देता हूं cos x, और आप बच्चों देख सकते हैं आरएचएस को मैंने सॉल्व किया ये आया, और एलएचएस को सॉल्व किया था तो भी ये आता, इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है, क्योंकि कभी कभी हमने क्लास 10th में सीखा था हमें कभी कभी एलएचएस सॉल्व करना होता है सिर्फ, कभी कभी सिर्फ आरएचएस, और कभी कभी दोनों करने होते हैं। तो प्लीज बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, आप लोग इसे जल्दी से उतार दीजिए, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं 16th वाला पार्ट है, और आइडेंटिटी कौन सी लग रही है मैंने इस बार वो भी लिख दिया पहले से ही, मैं LHS को सॉल्व करूंगा, NR पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आप देख सकते हो, cos x माइनस cos y, तो चलिए पहले तो मैं LHS लिख देता हूं, LHS को सॉल्व करने वाले सुंदर सुंदर लिख लेते हैं, LHS cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस साइन 3x, ठीक है बच्चों, हमारे NR पे आइडेंटिटी लग रही है cos x माइनस cos y, NR का मतलब होता है ऊपर वाला, DR मतलब नीचे वाला, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं इसे x कह रहा हूं, cos x माइनस cos y, ठीक है। अब एक बार इसे देख लेते हैं, यहां पर भी आपको पता मैं इस वाले पार्ट को x बोल रहा हूं, एक काम करते हैं इसे थोड़े दूसरे मार्कर से लगा देते हैं हाईलाइट करके, ताकि सेम सेम ना लगे, आप भी कंफ्यूज ना हो, इस वाले पार्ट को मैं x बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, साइन x माइनस साइन, और ये वाला पार्ट है हमारा पार्ट, ठीक है।
तो चलिए पहले एनआर पे लगाते हैं, उसके बाद डीआर पे करते हैं। चलिए चले करते हैं। हमारा देखो एनआर को अगर आप देखोगे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है ना बच्चों, इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में बदल लेते हैं। तो चलिए पहले हम लगाएंगे माइनस का टू, मैं लिखता हूं माइनस का टू, उसके बाद लगाना है साइन। बहुत अच्छे सोच रहे होंगे सर ने नीचे से क्यों लिखा एकदम ऊपर से क्यों लिखा, अभी पता चल जाएगा। साइन एक्स और वाई को जोड़ना है, टू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक्स और वाई को जोड़ते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं। एक्स और वाई देखो ये रहा एक्स और ये रहा वाई, अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा यहां से देखो ये 9x है और ये 5x है, अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो आ जाएगा 14x और डिवाइड करूंगा 2 से, इस वजह से मिलेगा, ठीक है। देख लो x और y को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा, उसके बाद इनटू दोबारा लिखना है साइन x और y एंगल को माइनस करना है और डिवाइड करना है 2 से। x को और nr को कर रहा हूं बच्चों मैं सॉल्व, nr को x और y को मैं माइनस करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 से। आप देख सकते हो यहां पर मैंने कर दिया nr सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं dr पे, dr देखते हैं जरा। sin x माइनस साइन वाई, देख सकते हो साइन एक्स माइनस साइन वाई, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है और बदलेंगे हम इस वाले फॉर्म में। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे, टू, फिर लिखेंगे कॉस लिख लेते हैं बच्चों कॉस, उसके बाद देखते हैं बच्चों यहां पर ना माइनस है, यहां पर क्वेश्चन में माइनस है, बार बार चश्मा पहनने के बाद भी गलती हो रही है, ये माइनस है मैंने अभी देख लिया था। चलिए 2 cos x और y को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, x को बेटा dr कर रहा हूं, dr x को और y को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे into, फिर लगाएंगे sin x और y को करेंगे माइनस, डिवाइड कर देंगे 2 से, x ये रहा y ये रहा इन्हें माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है हमारा। बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर कट के आ रहा है, देखो नीचे वाले को ऊपर वाले में कट के आ रहा है 2 1 और 2 7, यहां पर 2 1 और 2 2, ठीक है। नीचे वाले भी कट रहे हैं, काट लेते हैं, एंगल एंगल कटते हैं 2 1 और 2 10, 2 1 और 2 7। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा, बच के देख लेते हैं एक बार। बच्चों पहले माइनस का 2 लिख लेते हैं, साइन ये आ गया 7x, नीचे वन की तो कोई वैल्यू नहीं, उसके बाद इनटू साइन 2x, ठीक है। अब नीचे देखते हैं 2 कॉस आ गया 10x, क्योंकि नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती, इनटू साइन 7x आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7x 7x कटेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सेम है, उसके एंगल भी क्या उसके आगे वाला है एकदम सेम। तो चलिए काट लेते हैं ऐसे, और कोई कट रहा है बिल्कुल भी नहीं, अच्छा कट रहा है 2 से 2 कट गया, और कटने के बाद क्या बच रहा है एक बार लिख लेते हैं हम लोग, माइनस बच रहा है, माइनस लगा दिया, और क्या बच रहा है साइन 2x अपॉन में नीचे बच रहा है कॉस 10x। आप देख सकते हो बच्चों LHS को सॉल्व किया मैंने एज इट इज, और जो लेकर आना था मैं ले आया, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप प्लीज इसके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं 17th वाला पार्ट मैंने आपके सामने उतार दिया है, आप सबको पता है LHS को सॉल्व करेंगे और RHS वाला ले आएंगे। तो चलिए ले लेते हैं LHS को, बहुत सिंपल है, और मुझे तो लग रहा है अब आप लोगों को भी पता चल गया होगा कैसे और कौन कौन सी आइडेंटिटियां लगने वाली है। चलिए पहले मैं अपना LHS उतार देता हूं अच्छे से, cos 5x प्लस का cos 3x। बच्चों अगर आप NR को देखोगे, NR को ध्यान से देखना, sin x प्लस sin y, देखना ध्यान से बच्चों, इस वाले को मैं x प्रोनाउंस कर रहा हूं और इस वाले को कर रहा हूं y, ध्यान से देखना बच्चों, sin x प्लस sin y, तो आप देख सकते हो साइन एक्स प्लस साइन वाई हमारी यली आइडेंटिटी लग रही है। तो हमारी यली आइडेंटिटी, हमारा जो एनआर है वो कुछ इसी फॉर्म में है, आप देख सकते हो मैं सर्कल कर लेता हूं इस फॉर्म में, हम उसे बदलेंगे किसमें, इसमें, ठीक है।
एक बार हम अपना डी आर भी देख लेते हैं जरा ध्यान से, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, आप देख सकते हो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हमारा डी आर है इस फॉर्म में, है ना। तो चलिए ठीक है, आइडेंटिटी एकदम सही है। सबसे पहले तो हम एनआर वाले को सॉल्व करते हैं, एनआर वाले को देख लेते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई, देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो हमारा क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में इसमें बदलेंगे, पहले लिखेंगे टू, उसके बाद बच्चों आएगा साइन, उसके बाद जो एक्स और वाई एंगल है ना उन्हें जोड़ के टू से डिवाइड करना है। बेटा एनआर को सॉल्व कर रहा हूं, ग्रीन वालों को देखो, एक्स और वाई को जोड़ूंगा, एट एक्स आएगा, डिवाइड करूंगा टू से। ये कोएफिशिएंट और ये एंगल आपस में नहीं कट सकते, मैं बार बार बताऊंगा, इनटू उसके बाद बच्चों कॉस लिखेंगे, मैंने लिख दिया यहां पर कॉस, एक्स और वाई को करेंगे माइनस और डिवाइड कर देंगे टू से, एक्स और वाई को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा और डिवाइड कर दिया टू से, यहां पर हो गया मेरा एनआर सॉल्व। चलिए अब नीचे आते हैं डीआर की बात, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, आइडेंटिटी हमारी यही लग रही है एलएचएस की फॉर्म में, आप देख सकते हो, हम बदलेंगे आरएचएस में, पहले लिखेंगे टू, उसके बाद लिखना है बच्चों कॉस, एक्स और वाई को जोड़ेंगे डिवाइड कर देंगे टू से, ये रहा बेटा नीचे वाला देखेंगे, हम डीआर को सॉल्व कर रहे हैं ना, एक्स और वाई को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे टू से, हो गया सिंपल, इनटू कॉस, दोबारा लिखना, अच्छा बच्चों एक मिनट, ऊपर वाला है कॉस, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ध्यान से कॉस एक्स प्लस कॉस वाई ऊपर वाला चल, ठीक है, कॉस एक्स और वाई को करेंगे माइनस और डिवाइड करेंगे टू से, एक्स को और वाई को करेंगे माइनस और डिवाइड कर दिया मैंने टू से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आप एक बार काट पीट के देखते हैं, यहां पर काटेंगे टू वनजा और टू फोरजा, एंगल एंगल आपस में कटते हैं, ये वनजा और ये भी वनजा, नीचे वालों को भी काट देते हैं, टू वनजा और टू फोरजा और टू वनजा और टू वनजा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखना, टू साइन बच्चों 4x बच रहा है, नीचे देखो 4 और x बच रहा है, नीचे बल्कि कोई वैल्यू नहीं, 4x इनटू कॉस हमारा 1x बच रहा है जिसे हम x ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना बच्चों, एनआर लिख लिया, अब डीआर लिखते हैं, 2 कॉस 4x, 4x लिख दिया इनटू कॉस x आ गया, ठीक है बच्चों। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये कट रहे हैं, हमारा कॉस और कॉस, देखो पहले तो टू से टू काट दिया, हमारा कॉस कॉस सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उनका एंगल भी सेम है, कट करो, बचा क्या साइन फोर एक्स अपॉन में कॉस फोर एक्स। अब यहां पर मुझे एक आइडेंटिटी याद आई, देखो ध्यान से, साइन के आगे एंगल है थीटा अपॉन में कॉस के साथ भी वही एंगल है, जो ऊपर साइन के साथ एंगल है वही नीचे कॉस के साथ भी एंगल है, इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं tan और वही एंगल थीटा लगा देते हैं। देखो यहां पर भी वही कंडीशन आ गई, तो ध्यान से देखना बच्चों, ऊपर sin के साथ एंगल क्या है 4x, नीचे cos के साथ भी वही एंगल है, देखो sin के साथ थीटा, cos के साथ थीटा, sin के साथ 4x, cos के साथ 4x, ऐसे में हम क्या करते हैं tan लिखते हैं और जो एंगल इन दोनों के साथ है वही एंगल लगाते हैं tan थीटा, तो हम यहां पर tan 4x कर देंगे जो इन दोनों के साथ, हमने LHS सॉल्व किया, tan 4x आया, हमें वही लेकर आना था। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिटी को पहचानना है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, और मुझे नहीं लगता इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड आउट द करेक्ट एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है। तो डोंट बी गेट वरी, आप प्लीज इसे उतार लीजिए, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बोर्ड पे उतार दिया है, हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS जैसा ले आएंगे एग्जाम। तो चलिए देखते हैं, LHS लिख लेते हैं यहां पर, पहले LHS को उतार लेते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, हमारी कौन कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बच्चों वो मैंने यहां पर बोर्ड पे लिख दी है। अगर हम पहले अगर अपने NR को देखें, साइन एक्स माइनस साइन वाई एग्जैक्टली आइडेंटिटी सेम सेम है, देख सकते हो आप लोग, ये देखो ये हमारा जो है, हमारा जो एनआर है
वो हमारा LHS की तरह दिख रहा है, RHS में बदल देते। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्या लिखेंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई की जगह पर, साइन एक्स माइनस साइन वाई की जगह पर ये 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन। चलिए एनआर तो मैंने पूरा लिख दिया, अब डीआर पे देखते कौन सी आइडेंटिटी है, cos x प्लस cos y। देखो ये क्या, अब इसे बदल देते हैं हम आरएचएस में, 2 cos x प्लस y अपॉन 2, cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू लिख दिया इंटू cos x माइनस y अपॉन। तो बच्चों देखते हैं यहां पर कौन कौन कट रहा है, जैसे कि मैंने देखा ये cos और ये cos सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, लेकिन बच्चों एंगल अलग है, एंगल अलग है ना। चलिए कोई और देखते हैं, अरे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है और इनके एंगल देखो x प्लस वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये तो एग्जैक्टली सेम है ना, तो हम इन्हें काट सकते हैं इजिली। तो चलिए काट देते हैं, ये टू से ये टू कट गया, बचा ये। अब यहां पर मुझे फिर एक चीज याद आती, चीजें बहुत जल्दी याद आती, देखो साइन ऊपर है साइन और नीचे है कॉस, साइन के साथ जो एंगल है कॉस के साथ भी वही एंगल है, ऐसे केस में हम लिखते हैं टैन और उसी एंगल को लगा दो। देखिए ऊपर है साइन नीचे है कॉस, साइन के साथ जो एंगल है एक्स माइनस वाई अपॉन टू, कॉस के साथ भी वही एंगल है एक्स माइनस वाई अपॉन टू, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर आता है टैन और उसी एंगल को लगा देते जो इन दोनों के साथ होता है ना, उसी एंगल को लेते x माइनस y अपॉन टू। आप देख सकते हो LHS को मैं सॉल्व करके ये लेकर आया हूं और यही हमारा RHS है, एग्जैक्टली सेम कर दिया है। तो प्लीज बच्चों इसे उतार दीजिए जल्दी से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं 19 पार्ट और आप देख के समझ भी गए होंगे मैं क्या करूंगा, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिए, आपको पता है साइन एक्स प्लस साइन है, बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये वाली आइडेंटिटी लगे लगाओ और खत्म करो, नहीं, जब कभी भी ये आइडेंटिटी लग रही है तो हमेशा हम बड़े एंगल वाले को पहले और छोटे एंगल वाले को बाद में रखते हैं। बच्चों इस चीज को ध्यान में रखना, आप लोग ध्यान रखना आपके लिए सही रहेगा, और अगर नहीं रखोगे आप बड़े वाले को बाहर ऐसे वाले को अंदर तो बेटा आपको दिक्कत होगी, मैं आपको एडवाइस करूंगा। वैसे क्या दिक्कत, नॉर्मली अगर आप ऐसे ध्यान रखोगे तो बेस्ट ही है ना, अगर आप ध्यान रखोगे तो बेस्ट है। तो मैं भी ये करने वाला हूं, पहले मैं LHS ले रहा हूं, LHS को देखो मैं कैसे लिखने वाला हूं, जो बड़ा एंगल वाला है उसे रखूंगा पहले, प्लस जो छोटे एंगल वाला है उसे रखूंगा बाद में। देखो इसके साथ 3x है, इसके साथ x है, जो बड़ा एंगल वाला था उसे पहले रखा और जो छोटा एंगल वाला था उसे बाद, बस और कुछ नहीं करना। आपको पता है cos 3x बड़ा एंगल है इसे पहले प्लस cos x छोटा एंगल है बाद, बस इतना करना है बस, उसके बाद एग्जैक्टली पूरा सेम है। जब भी आइडेंटिटी ये वाली लगेगी तो जो बड़ा एंगल वाला होगा उसे हम क्या रखेंगे पहले और छोटे एंगल वाले को रखते हैं बाद में। चलिए अब देखते हैं साइन एक्स, इसको एक्स बोल रहा हूं, प्लस साइन और ये वाला है हमारा वाई, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है हम देख सकते हैं यहां पर, ये वाली, ठीक है ना। अब नीचे देखते हैं, नीचे भी आइडेंटिटी लग रही है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, लग रही आइडेंटिटी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे आसानी से, ऊपर वाला देखते हैं एक बार, अच्छा थोड़ा सा इसे और नीचे होता, तो बच्चों लिखते हैं इसे, सबसे पहले तो ऊपर देखते हैं एनआर को, साइन एक्स प्लस साइन वाई, आप देख सकते हो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है इस वाली फॉर्म में, है ना, बदलेंगे इस वाली फॉर्म में, पहले लिखेंगे टू, अब लिखेंगे बच्चों साइन, उसके बाद एक्स और वाई को जोड़ के टू से डिवाइड कर देंगे, एनआर को सॉल्व कर लेंगे, डीआर को मत देना, एक्स और वाई को जोड़ेंगे, देखो एक्स हमारा ये रहा और वाई हमारा ये रहा, जोड़ के और डिवाइड कर दिया टू से, ठीक है। इंटू में इंटू बना के कॉस, सॉरी बच्चों हाँ ये वाला यहाँ लग रहा मैं भूल गया था, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, पहले कॉस लिखा
उसके बाद दोनों एंगलों को करेंगे माइनस और डिवाइड करेंगे टू से, दोनों एंगलों को करेंगे माइनस और डिवाइड कर देंगे टू से, सिंपल है। चलिए हम नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, dr पे, cos x plus cos y, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, देख लीजिए, बदलेंगे इसमें, पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे बच्चों cos, दोनों एंगलों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, दोनों एंगलों को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है बच्चों, इनटू में फिर दोबारा लिखना है बच्चों cos, दोनों एंगलों को करेंगे माइनस और डिवाइड कर देंगे 2 से, दोनों एंगलों को करेंगे, देखो इस वाले एंगल को करेंगे माइनस, हो गया, और डिवाइड कर देंगे 2 से। मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं, इलेवन क्लास में तो कर ही सकते हैं। चलिए एनआर वालों को भी काटते हैं, एंगल एंगल कट रहे हैं, अब डीआर में काटते हैं हम लोग। बच्चों कोएफिशिएंट और एंगल आपस में नहीं कटते, मैं बार बार बताऊंगा आप लोगों को, टू वनजा और टू, मैंने इन्हें काट दिया है, तो चलिए लिख देते हैं नीचे, ऊपर 2 आ रहा है, 2 लिख देते हैं, उसके बाद साइन 2x, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इनटू cos x आ गया, ठीक है। चलिए उसके नीचे लिखते हैं 2 cos, बच्चों 2x, ये इनटू आ गया इधर cos x, आपको पता है सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सेम एंगल है, ये आपस में क्या हो सकते हैं, कट, तो हम इन्हें काट लेते हैं, cos x और cos x पूरा कट गया। चलिए देखते हैं आगे, 2 से 2 भी कट रहा है, और यहां पर मुझे फिर एक आइडेंटिटी दिख रही है लगती हुई, जो मैं दोबारा बताता हूं आपको, साइन है ऊपर और नीचे है cos, जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल cos के साथ भी है, ऐसे केस में हम लिखते हैं tan, और जो एंगल इन दोनों पे है ना उसी एंगल को लगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर वही हो रही कंडीशन हमारी, ऊपर साइन नीचे कॉस, देखो साइन कॉस, यहां पर साइन के साथ 2x है, नीचे वाले के साथ भी सेम है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं टैन लिखते हैं और वही एंगल लगा देते हैं जो इन दोनों के साथ। बच्चों LHS को सॉल्व करके आप देख सकते हो टैन 2x आया, और ये भी हमारा RHS ही, RHS भी यही है, मैंने इसे प्रूफ कर दिया है, आप लोग देख सकते हो, तो प्लीज बच्चों इसे उतार दीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, आई होप आपको इस वीडियो में मैथ समझ में आ रही होगी। तो अब मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन और इसी अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। बाय।